चोकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स दोनों ही इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो आइए आज हम फूड जासूस पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते अपना एक व्यू रख रही हूँ। सबसे पहला पैरामीटर जो भी होता है प्रोडक्ट का खरीदने का, वो है प्राइस का। जी हाँ, प्राइस जो है दोनों में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही 20-20 रुपीस का एक पैक आता है। लेकिन अगर आप सर्व साइज की बात करते हैं, यानी कि कॉन्फ्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये 20 रुपीस का पैक है जिसका नेट वेट जो है वो है 70 ग्राम का, यानी कि इसमें 2 सर्व से ज़्यादा प्रोडक्ट है इसके अंदर। लेकिन जहाँ अगर हम बात करते हैं चोकोस की, तो चोकोस भी 20 रुपये का ही है। लेकिन बताऊंगी कि इसमें 2 सर्व भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 1 सर्व जो है वो 30 ग्राम का है, 2 सर्व 60 ग्राम का है, बट ये जो पैक है वो 56 ग्राम का ही है। यहाँ पे तो ये पॉइंट मैं कॉर्नफ्लेक्स को ही दूंगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशनल क्लेम का, यानी दोनों ही प्रोडक्ट कितना पोषण दे रहे हैं आपको उसके बारे में, जो क्लेम्स है उसके बारे में। तो ये जो कैलॉग्स का कॉर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ 5 लिखा हुआ है और इसमें 5 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन। तो इसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इसमें ये 5ों न्यूट्रिएंट हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे पैक पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम बिल्कुल भी मेंशन ही नहीं है। जो इसमें पावर ऑफ 5 में कैल्शियम लिखा गया है, वो दूध अगर आप मिला के लेते हैं तब आपको कैल्शियम मिलेगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बस 2 ग्राम प्रोटीन है 30 ग्राम कॉर्न में, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यानी ये जो पावर ऑफ 5 है, ये अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हैं तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से मिसलीडिंग है आपके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप न्यूट्रिशनल क्लेम के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में 5 अलग अलग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए। इंडिविजुअल बस कॉर्नफ्लेक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो चोकोज में न्यूट्रिशनल क्लेम किया गया है वो है कि 1 रोटी के बराबर इसमें प्रोटीन और फाइबर है। और जब मैंने 1 रोटी का कैलकुलेशन किया प्रोटीन एंड फाइबर का, तो उसका ये हाफ भी मीट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक तरह का फॉल्स इंफॉर्मेशन है जो कंज्यूमर को कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप चोकोस के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए और डेफिनेटली आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में फॉल्स क्लेम्स किए गए हैं, यानी कि जो क्लेम किया गया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया उस बेसिस पे। तो इन दोनों में से मैं किसी को भी कोई पॉइंट नहीं दूंगी यहाँ पे। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है मेन इन्ग्रीडियंट्स को लेकर। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है बहुत ही नेचुरल है, यानी कि कॉर्न को यूज किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी चीजें एक्स्ट्रा मिलाई नहीं गई है, प्रोसेस्ड कुछ भी नहीं मिलाया गया है। जबकि अगर आप चोकोस को लेते हैं, तो चोकोस में अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हीट सॉलिड्स मिलाए गए हैं। और व्हीट सॉलिड्स में क्या क्या है, तो आटा के साथ साथ मैदा भी मिलाया गया है, यानी कि 50% आटा है और 50% मैदा है। तो मेन इंग्रेडिएंट पे अगर मुझे पॉइंट देना है तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट कॉर्नफ्लेक्स को ही दूंगी, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स में कुछ भी मैदा या कुछ ऐसी तरह से नहीं मिलाया गया है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है शुगर को लेके। अगर कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो कॉर्नफ्लेक्स में बस 1/2 चम्मच चीनी आपको मिलेगा, जो 2.5 ग्राम है, जो कि परमिसिबल है, यानी कि आप आराम से ले सकते हैं, इतना चीनी आप खा सकते हैं एक बार अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो। लेकिन जहाँ हम अगर चोकोस की बात करें तो चोकोस में 9 ग्राम चीनी मिलाया गया है 1 सर्विंग में। और अगर बच्चे को अगर आप ये दे रहे हैं और साथ में 1-2 चम्मच और एक्स्ट्रा चीनी मिला के दे रहे हैं, तो वही 9 ग्राम ऑलमोस्ट 20 ग्राम तक भी पहुंच सकता है, जो 4 चम्मच के बराबर है। क्योंकि अगर कॉर्नफ्लेक्स से अगर आप कंपेयर करते हैं चोकोस का, तो चोकोस में ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा शुगर है। तो इस वजह से मैं ये पॉइंट कॉर्नफ्लेक्स को दूंगी। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइबर को लेकर के। क्योंकि चोकोस में भले ही जितना रोटी में फाइबर है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉर्न से जस्ट डबल है इसमें फाइबर कंटेंट, इसलिए ये पॉइंट मैं चोकोस को यहाँ दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन का। तो दोनों ही प्रोडक्ट में जो प्रोटीन का डिफरेंस है इतना ज्यादा नहीं है, यानी चोकोस बस 0.7 ग्राम ज्यादा है पर सर्व के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे किसी को नहीं दे रही हूँ। बच्चों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर हम चोकोस की बात करें तो ऑलमोस्ट 160 मिलीग्राम कैल्शियम मिल रहा है एक सर्व में, जो अराउंड 26% कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा आपके बच्चे के। लेकिन अगर हम कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो कॉर्नफ्लेक्स में यहाँ कैल्शियम तो लिखा हुआ है लेकिन कॉर्न में कोई कैल्शियम नहीं होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये पॉइंट चोकोस को दूंगी। और हाँ, अगर आप चोकोस को 200 ml मिल्क के साथ लेते हैं तो जो बच्चे का कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो 66% पूरा हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फैट का, तो दोनों ही प्रोडक्ट में ज्यादा फैट नहीं है, लेस देन 1 ग्राम फैट दोनों ही प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जस्ट डबल अमाउंट में है केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स में, इस वजह से यहाँ पे मैं ये पॉइंट कॉर्नफ्लेक्स को दूंगी। कॉर्नफ्लेक्स में कोई भी हार्मफुल कलर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए गए हैं। लेकिन अगर आप चोकोस की बात करें तो चोकोस में कलर 150D मिलाया गया है। वैसे ये जो कलर है बहुत ही कम अमाउंट में मिलाया गया है, लेकिन फिर भी ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो कलर है कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का रिस्क ये लेटर लाइफ में बढ़ा सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट मैं कॉर्नफ्लेक्स को दूंगी, क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिलाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये दोनों प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। वैसे तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस एज के बच्चे को या फिर बड़े को लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चोकोस की बात करें तो वहाँ पीछे की तरफ एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अकॉर्डिंग है, वो है 7 to 9 years के बच्चों के लिए, और जो कॉर्नफ्लेक्स है वो वुमेन के अकॉर्डिंग, जो इसका RDA दिया गया है वो वुमेन के अकॉर्डिंग दिया गया है, क्योंकि चोकोस एवरेज बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग RDA बता रहा है यहाँ पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बेसिकली बच्चों के लिए है, क्योंकि आप पैकेजिंग भी देख सकते हैं, पैकेजिंग में भी ये थोड़ा सा बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जबकि जो कॉर्न है यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए है, इसको कोई भी ले सकता है। चोकोस के लिए मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस मिलाए गए हैं, तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल 3 साल से कम बच्चे हैं, उनको आप ये नहीं खिलाएंगे। अगर आपका बच्चा 4-5 साल से ऊपर का है तब आप ये प्रोडक्ट उसको खिला सकते हैं। क्योंकि दोनों में ही एज ग्रुप ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट किसी को भी नहीं दे रही। अगर आप टेस्ट वाइज बात करना चाहेंगे तो ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस होता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा पॉपुलर चोकोज है, क्योंकि ये क्रिस्पी है, चॉकलेटी है और स्वीट है, इस वजह से चोकोज बच्चों में ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए टेस्ट के लिए जो पॉइंट है वो तो मैं चोकोज को ही दूंगी। पैकेजिंग में जो दोनों मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ऑलमोस्ट सेम है, एयर पैक्ड है, अगर आप ये देख सकते हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं जा रहा किसी को। अब लास्ट में ये सवाल आता है, ज्यादा हेल्दी कौन सा है, कॉर्नफ्लेक्स या चोकोस? तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि मैं कॉर्नफ्लेक्स को ज्यादा हेल्दी मानूंगी, क्योंकि इसमें मैदा नहीं मिलाया गया है, कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है और ये टोटली नेचुरल है, जबकि चोकोस में मैदा भी है, शुगर कंटेंट भी ज्यादा है और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी है, इस वजह से मैं चोकोस को कम हेल्दी बोलूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही चोकोस नहीं दे सकते अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल से ऊपर का है तो आप उसको चोकोस दे सकते हैं, डेली मत दीजिए, वीक में 1 से 2 बार दे सकते हैं। इनफेक्ट कॉर्न के लिए भी मैं यही बोलूंगी यहाँ पे कि अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर आप डायबिटिक हैं तो आप कॉर्नफ्लेक्स नहीं लें, क्योंकि इसमें सिंपल शुगर बहुत ज्यादा होता है, आपका जो ब्लड शुगर है वो एकदम से हाई होगा, आपका वेट लॉस करना मुश्किल होगा, और साथ ही साथ अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बच्चों की बात करें तो कॉर्नफ्लेक्स आप उनको डेली दे सकते हैं। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते मैं एक और टिप दूंगी इसके साथ कि आप डेली अलग अलग तरह के फ्रूट्स या फिर नट्स, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके देने की कोशिश करें, ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी मिल सके। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कंपैरिजन वीडियो? अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें जो कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस डेली ले रहे हैं, ताकि वो भी ये वीडियो देख करके अपनी चॉइस खुद बना सके कि उन्हें ये प्रोडक्ट डेली लेना चाहिए या नहीं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप फूड जासूस को इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहेंगी, तो बेल आइकन जरूर दबाएं।